गृह मंत्रालय ने असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की। लिस्ट में 19,06,000 लोगों के नाम नहीं, गुवाहाटी समेत कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के धुले में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 6 लोगों की मौत, 43 घायल। पहली तिमाही में जीडीपी की दर 5.8% से घटकर 5% हुई, पिछले 6 साल का ये सबसे निचला स्तर। जीडीपी में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, कहा मोदी है तो मुमकिन है। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया। 10 सरकारी बैंकों का विलय होकर 4 बैंक बनेंगे। विलय के बाद अब देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार दूसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, पूछताछ जारी। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख आज, डेडलाइन बढ़ाए जाने की खबरों को आयकर विभाग ने खारिज किया। प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम की 100वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाया। और जमैका टेस्ट के पहले दिन भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए।